पर इनका कसूर क्या है? तो कनोड़ा आपने पीसीआर यहाँ पे रोक दी, को यहाँ पे हेल्ड करके रखा हुआ है। इनके पास कोई हथियार है? इनके पास कोई नारा है? कोई नारा मारा इन्होंने? कमाल कर दिया आपने। मनजीत सिंह जी के मेरा नाम है और मैं इनको लेके जा रहा हूँ। पूरी दिल्ली में फ्लैग घूम रहे, पूरे हिंदुस्तान में फ्लैग घूम रहे, कौन बना कर सकता है इनको? ये झंडा लेके किसानों की रैली में जा रहे थे। मास्क लगा के नहीं जा सकते? एक पास से 500 का चालान काटते हो, अगर इंडिया गेट पे जाते हो तो आप कार्रवाई करते ना? पैदल जा रहे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਰੁਕੋ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਖਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰੈਕ ਭਈਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਨਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਥਾਣੇ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ नहीं थाने से तो आ रहे हैं पर इनका कसूर क्या है? कोई नारा नहीं ला रहे सीगे, कोई इंडियन ट्राई कलर सीगे। हाँ भैया बात कराओ, कौन है SHO साहब, कौन है बात कराओ मेरी। इनको रोक कौन सकता है? कोई कानून तोड़ा है? कोई कानून तोड़ा है? आपने PCR यहाँ पे रोक दी और इनको यहाँ पे हेल्ड करके रखा हुआ है। हमने इनको बिल्कुल इनके साथ नहीं, अब क्या करना? इनको रोका हुआ के जाएं? मेरा गड्डी बैठो, केड़ा थाना चलो, केड़ा थाना चलो, जरा मैं दसा। चलो यही आ रहे हैं, बता दिया मैंने। नहीं हम वही चलते हैं ना, थाने चलते हैं। नहीं पर थाने क्यों चले मुझे ये बताए ना, कौन से कानून में ये थाने जाए? जाओ यही आ जाते हो। कोई नारा नहीं लगाया हमने। कोई गड्डी बैठो चलो, इसे कौन रोक सकता है? तुम मेरा नंबर नोट करो, मैं लेके जा रहा हूँ इन्हू। बैठो गड्डी, नंबर नोट करो मेरी गाड़ी का। मनजीत सिंह जी के मेरा नाम है और मैं इनको लेके जा रहा हूँ। बैठो तुसी। अरे भैया ये कोई गुंडागर्दी है? ये कोई बदमाशी है? यार कमाल कर दी तुमने। हाँ नहीं, इन्होंने किया क्या मुझे बताए तुम? तो हालात को देखते हुए क्या बात है? नहीं हालात क्या है यार, इनके पास कोई हथियार है? इनके पास कोई नारा है? कोई नारा मारा इन्होंने? कमाल कर दिया आपने। फ्लैग्स लेकर के तीन आदमी, भैया फ्लैग कौन मना कर सकता है? पूरी दिल्ली में फ्लैग घूम रहे, पूरे हिंदुस्तान में फ्लैग घूम रहे, कौन मना कर सकता है इनको? प्रोटेस्ट करने के लिए एक स्थान सर, ये प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, तीन लोग के प्रोटेस्ट थोड़ी होता है सर। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे थे झंडा लेकर? ये झंडा लेके किसानों की रैली में जा रहे थे, तो फिर कमाल कर दिया यार तुमने। तुमने क्या नहीं किया? तुमने इनको रोक दिया वहाँ पे। हमने इनको क्या, चलो चाय वापी के चले जाना, ठीक है चलेगा। उनको इंस्ट्रक्शन दिया, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन है क्या है। एक घंटे से खड़े हैं। मैं हूँ मनजीत सिंह जी के प्रधान, जागो पार्टी एक्स प्रधान। इनको किस कसूर में रोक लिया इन्होंने? क्या कानून तोड़ दिया इन्होंने? नहीं एक कोई तरीका ही यार, मैनू फोन आया, मैं करो उठ के आया। कमाल करती यार, रोड ते नहीं चल सकते, कोई भैन चो तोड़िया इन्होंने, शीशा तोड़िया, कोई नारा मारे, नारा नहीं लगाया। भैया ये तो तीन लोग हैं, चार लोग हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं आप? किस कानून में रोक दिया आपने? और सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए जा रहे हैं, पूरा अलग डिस्टेंस बनाया हुआ, सब मास्क लगा रहे हैं। अगर भैया आप ना खाम खाम माहौल खराब कर दोगे, मैं आपको बताऊं, आप खाम खाम माहौल खराब कर दोगे। इन्होंने सानू बोला मास्क लगा के नहीं जा सकते, एक पास से 500 का चालान काटते हो। आप रिस्पेक्टेबल आदमी हो, दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉई हो, ऐसा काम मत करें कि जहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाए। अगर आपने रोकना तो मैं अभी बताता हूँ कैसे रोकते हैं। सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से है कि अगर आप फ्लैग लेकर के किसान के प्रोटेस्ट के लिए पेट्रोल स्टेशन आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, इंडिया गेट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इन्होंने आपको बोला सिंगू वार्ड मकसद से रोका, आइडेंटिफाई करना। अगर इंडिया गेट पे जाते तो आप कार्रवाई करते ना?
सिंगू बॉर्डर बोला जहाँ यहाँ से एक घंटे से इन्होंने मैं भी घर से उठ के आया, एक घंटे से भाई तीनों खड़े हैं यहाँ पर, मतलब तीन लोग जा रहे हैं यार तुमको उनको। मेरा नाम लिखे इनका नहीं यार, मेरा लिखे मनजीत सिंह जी के, मैं लेके जा रहा था ये बंदे, तीन का लिखाया मेरे को, भैया मेरा लिखो ना, मेरे प्लस टू कर दीजिए आप, तीनों को लिख लेना, नहीं तीनों का नहीं देना हमने, मैंने अपना नाम लिखाना है, जो कार्रवाई करनी आप मेरे पे करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज सवेरे जिस तरीके नाल मैं रूटीन च अपना सवेरे जाना वा साइकिलिंग वास्ते, ते तकरीबन 30 किलोमीटर दा राउंड मार के मैं अपने घर जदों पहुँचदा वा ग्रेटर कैलाश, ते मैनूं फोन आंदा एक कि कुछ बच्चियां नूं नहरू स्टेडियम लोधी कॉलोनी दे कोल रोकिया गया है, और मैं इमीजिएटली उत्थे जाना वा कि मसला क्यों पुलिस ने PCR वैन ने रोकिया। जदों मैं जाना वा तो मैं देखदा वा 3-4 नौजवान बच्चे सन, वो पैदल किसान मोर्चे वाल जा रहे सीगे, और उन्होंने हाथ च हिंदुस्तान दा देश दा झंडा सीगा। PCR वैन वाले उन्होंने रोकिया सीगा और उन्होंने जाण तो मना कर रहे सी, और उन्होंने सारी डिटेल लै ली सी, और जदों मैं गया तो मैं उन्होंने पूछया जदों धमकाया जाके पुलिस जिहड़े कर्मी सीगे PCR के, किहड़ा कानून है जिहदे कानून दे विच तुसीं इन्हां नूं रोकदे पए हो, किहड़ा नारेबाजी इन्हां ने कीती, पांच बंदियां दी जे तुसीं आखो कि पांच बंदियां दी गैदरिंग ते रोक है, तो तीन बंदे सीगे और वह आखते सीगे कि तुहानूं असीं थाने लैके जावांगे। मैं उन्हां नूं अपनी गड्डी च बिठाया, मैं कहा चलो मेरा नाम लिखो और जिहड़ा केस पाणा मेरे ते पाओ। इन्ने च जिहड़ा SHO इलाके दा सी लोधी कॉलोनी दा, वह अपनी गड्डी दे विच फोर्स लैके पहुँच गया, और फिर जिस तरीके नाल मैं उन्हां नूं हैंडल किया, मैं समझदा वीडियो दे विच तुसीं देखोगे, उन्होंने अल्टीमेटली माफ़ियां मंगियां और आख्या कि हमें ये लग रहा था कहीं इंडिया गेट में जाके कोई बवाल ना करे, उन्होंने को राह नहीं सीखा जान छुड़ान दा, लेकिन मैं समझदा कि इस तरीके नाल अगर सड़कां ते नौजवान नूं रोकण लई इहो जिहा कम करेगी दिल्ली पुलिस, तो माहौल खराब करेगी। इसका सख्त नोटिस लिया गया और बच्चे जिहड़े ने उन्हां नूं किसान मोर्चे वल भेज दिता गया, और तुहाडे सामने ये सारा इशू जिहड़ा है वो आएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।